Jojo. Good morning. Jojo school jana hai. Jojo beta. तो ये हर सुबह सुबह की कहानी होती है कि बच्चों को उठाते रहो और वो 5 मिनट 10 मिनट बोल करके और सोते रहते हैं। तो सिद्धार्थ भी वही काम कर रहा है और उसके पापा आ गए हैं वॉक पर से, तो अब वो उसको उठाने की जिम्मेदारी में है और मैं किचन में आ गई हूँ। तो ये आज मंडे है और ये आज मॉर्निंग का ही वीडियो है। तो यहाँ पर मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन की मॉर्निंग मेरी कैसे कैसे रहती है किचन में। तो हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग तो हम लोग शूट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ किचन का मेरा रूटीन कैसा रहता है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो क्या रहा ब्रेकफास्ट और क्या रहा लंच, यही सब शेयर करूँगी, सिद्धार्थ का और सिद्धार्थ के पापा का। और बाकी मेरी मदर और मेरी सिस्टर भी हैं इस समय, वो कल ही आए हैं संडे के दिन, तो वो भी हैं इस समय। तो हम लोगों का ब्रेकफास्ट जो है उतना ज़्यादा इसमें शूट नहीं किया है हमने। आज मेरा लेमन वाटर लेने का मन नहीं था तो मैंने सिर्फ प्लेन पानी पिया है, और हस्बैंड के लिए हनी और लेमन का मैंने वाटर तैयार कर दिया है। और ये चॉपर, मिनी चॉपर पिजन का मैंने परचेज़ किया है अमेज़ॉन से, परसों ऑर्डर किया था और ये कल डिलीवर हो गया था, और कल ही मैंने इसको एक बार यूज़ करके देख लिया था और आज दोबारा से यूज़ कर रही हूँ। तो मैं पिछले 1-2 साल से इसको देख रही थी, कई लोगों के पास था, मुझे बहुत पसंद आता था, पर 1-2 जगह से मुझे थोड़े से रिव्यू भी ख़राब से मिल रहे थे, तो मैंने इसको कभी परचेज़ नहीं किया। इस बार मैंने सोचा कि चलो इसको ट्राई करते हैं, क्योंकि इस पर अच्छा खासा डिस्काउंट भी लगा हुआ था। ये मुझे आई थिंक 550 के आसपास का है और मुझे पड़ा है 270 रुपीज़ का, 270 रुपये का, कितना सस्ता पड़ा मुझे MRP के हिसाब से। तो ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया और सच में मैं इससे कितनी खुश हूँ मैं बता नहीं सकती। आप देख सकते हैं कितना महीन और कितना फाइन इसने चॉपिंग किया है। तो सिद्धार्थ के लिए मैं बना रही हूँ चीज़ पराठा, तो उसी के लिए मैंने प्याज और शिमला मिर्च को चॉप किया है। आप जानते हैं कि सिद्धार्थ को बड़ी बड़ी सब्जियाँ किसी चीज़ में पसंद नहीं आती हैं, तो उसके लिए मुझे हमेशा छोटी छोटी सब्जियाँ काटनी पड़ती थी और उसमें बहुत टाइम मुझे लग जाता था करने में। तो इस प्रॉब्लम का ये एकदम 100% सोल्यूशन मुझे मिल गया है, बस कुछ मिनटों में ही मेरा चॉपिंग का काम हो गया। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि टिफ़िन रेसिपीज़ के बारे में बताइए, तो मेरी फेवरेट और सिद्धार्थ की भी फेवरेट ये जो रेसिपी है ये चीज़ पराठा की, ये हम दोनों की फेवरेट है। मेरी इसलिए क्योंकि ये बहुत ही क्विकली बन जाती है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होती है, और सिद्धार्थ की इसलिए क्योंकि उसको बहुत पसंद है। तो अगर आपका आटा पहले से लगा रखा है तो विद इन 5 मिनट्स में आपका ये टिफ़िन रेसिपी बनके तैयार हो जाता है, लेकिन अगर आप फ्रेशली लगाते हैं तो 15 मिनट लगा लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा आटा मॉर्निंग में फ्रेश लगाती हूँ। तो आटा लगा दिया मैंने, इसको रेस्ट पे रख दिया है 5 से 10 मिनट, और तब तक मैं अपने बाकी के काम निपटा लूँगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जो सब्ज़ियाँ हैं इनको तवे पे मैं थोड़ा सा इनका पानी जो है वो सुखा दूँगी, क्योंकि सिद्ध को ना बिल्कुल खड़ी खड़ी या कच्ची सब्ज़ी उसको पसंद नहीं है, तो बड़ा ट्रिकी वे में उसको सब्ज़ियाँ खिलानी पड़ती हैं। तो हल्का सा मैं तवे पे सब्ज़ियों को सेक करके और उसको सॉफ्ट कर लूँगी, और उसके बाद मैं उसको फिल करूँगी। एक तरफ मैंने तवा चढ़ा दिया और दूसरी तरफ यहाँ पर सिद्धार्थ का मैंने दूध भी बना दिया है। तो तवे पे मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, आधे चम्मच से भी कम, और इसके अंदर मैं जो सब्ज़ी मैंने प्याज और शिमला मिर्च करके रखी है उसको मैं हल्का सा भून लूँगी, सॉफ्ट कर लूँगी हल्का सा नमक डाल करके। और आपके बच्चे अगर कच्ची वेजिटेबल्स खा लेते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा में हम ऊपर से ही डालते हैं, या सैंडविच में भी हम कट करके सिर्फ भर देते हैं, हम उनको पहले से पकाते नहीं हैं या सॉफ्ट नहीं करते हैं, तो आप उस तरीके से भी बच्चों को दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर चाइल्ड, जैसे भी आपका बच्चा खाता है आप उस तरीके से उसको खिला सकते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जैसे जो चीज़ बनती है वैसे ही बनाई जाए। तो मैं इस बात पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ कि टॉपिंग को टॉपिंग की तरह डालिए या कच्चा डालिए, या कच्चा डाल के ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा होता है, लेकिन जब बच्चा खाएगा ही नहीं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो जिस हिसाब से भी बच्चे को पसंद आता है उसी हिसाब से
उसको हेल्दी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए और उसी हिसाब से उसको खिलाने की कोशिश करना चाहिए। अगर बच्चा सब्जी नहीं खाता है तो आप उसको दाल में डाल दीजिए ताकि वो दाल चावल के साथ खा ले, उसको पता ही ना चले। तो ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं फॉलो करती हूँ सिद्धार्थ के साथ में। और यहाँ पे प्याज और शिमला मिर्च हल्का सा भून चुका है, उसको मैंने नमक डाल के भूना था तो हल्का सा भून चुका है। आटा भी मैंने दोबारा से रेस्ट देने के बाद उसको एक दो मिनट तक गूंथ लिया था। और एक यहाँ पे मैंने आटे की लोई ली है, उसको हल्का सा बेल लिया है, उसके अंदर ये स्टफिंग रखी है और थोड़ा सा मैंने रखा है पिज़्ज़ा मसाला। उसके बाद चीज़ का एक स्लाइस है जिसको मैं छोटा छोटा तोड़ के उसमें रख दूँगी और उसके बाद ऊपर से फिर से मैं थोड़ा सा पिज़्ज़ा मसाला डालूँगी। और ऑलरेडी इस पिज़्ज़ा मसाला में सॉल्ट होता है और लहसुन का फ्लेवर होता है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मिक्स हर्ब्स होती हैं तो इसीलिए सॉल्ट थोड़ा कम ही यूज़ करें आटे में भी, और शिमला मिर्च और प्याज का जो भी आप बना रहे हैं स्टफिंग उसमें भी। और स्टफिंग में भी आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें गाजर भी डाल सकते हैं, आप इसमें उसको क्या कहते हैं मशरूम्स हैं, मशरूम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी बच्चे को पसंद है, या फिर आप पनीर भी इसके साथ में फिल कर सकते हैं। मैं अक्सर इन सब्जियों के साथ में पनीर को भी फिल करके बनाती हूँ। आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग जो भी वो सब्ज़ियाँ प्रेफर करता है खाता है वो इसमें ऐड कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, बिल्कुल लगता है कि बस पिज़्ज़ा ही है ये, स्वाद एकदम वही होता है, बस खाली जो वो मैदे का क्रस्ट होता है उसकी जगह आप आटे का पराठा बना रहे हैं, अदरवाइज़ सेम इसका जो स्वाद है वो वैसा ही आता है। और बच्चे जो है ना बड़े खुशी से बड़े मन से खा लेते हैं, टिफ़िन भी उनका ख़त्म हो जाता है। और बनाने में बहुत ही इजी है, खासकर मंडे जैसे दिन के लिए जिस दिन आपके पास बहुत सारी स्ट्रगल होती है, बहुत सारा काम होता है, तो आप उस दिन अपने बच्चों के टिफ़िन में अगर ये रखेंगे तो ये फटाफट 5 मिनट्स में 10 मिनट्स में बनके रेडी हो जाएगा। आटा लगा के रख देंगे तो सिर्फ 5 मिनट का खेल है ये, 5 मिनट में टिफ़िन रेडी हो जाएगा। साथ में आप फ्रूट्स रख दीजिए, ड्राई फ्रूट्स रख दीजिए या सैलेड रख दीजिए, जो भी आपको बच्चा खाता है वो रख दीजिए। जैसे सिद्धार्थ है ना वो सैलेड प्रेफर करता है, वो फ्रूट्स बिल्कुल भी फिनिश करके नहीं आता, और जो भी मैं अगर उसके टिफ़िन में फ्रूट्स डाल दूँ ना तो मुझे थ्रो ही करने पड़ते हैं, तो इसीलिए मैं उसको सैलेड देती हूँ तो उसका सैलेड फिनिश हो जाता है। गाजर या फिर खीरा ये सब मैं उसको टिफ़िन में हमेशा देती हूँ। तो ये दोनों पराठे मेरे बनके रेडी हो चुके हैं, एक पराठा के अंदर मैंने स्टफिंग भरा है और दूसरा पराठा ओनली चीज़ एंड जो पिज़्ज़ा मसाला है उसके साथ में बनाया है। और इनको मैंने 4 स्लाइसेस में इस तरीके से कट कर दिया है ताकि देखने में भी पिज़्ज़ा वाला लुक आए। तो ये उसका टिफ़िन है। और सिद्ध को भी और हस्बैंड को भी मैंने फॉइल पेपर में खाना देना बिल्कुल बंद कर दिया है, तो नीचे एक टिश्यू रख देती हूँ ताकि गीलापन ना आए पराठे में। और उसके बाद ये ठंडे हुए हुए पराठे जो हैं ये रख दिए मैंने एक दूसरे लंच बॉक्स में, एक छोटा साइज़ का खीरा रख दिया है और ये 4-5 सोफ्ट आलमंड्स हैं जो मैंने इसमें रख दिए हैं। तो ये चेंज होता रहता है, कभी कभी मैं उसको काजू दे देती हूँ, कभी बादाम, कभी अखरोट दे देती हूँ, तो इसी हिसाब से चेंज होता रहता है। सैलेड भी चेंज होता रहता है, कभी गाजर ले जाता है वो, कभी खीरा ले जाता है, इस टाइप से। एक मैंने सॉस का पैकेट रख दिया जो वापस आ गया था, जस्ट इन केस उसे अगर लगे कि मुझे इसके साथ खाना चाहिए तो इस वजह से रख दिया था। और सिद्धार्थ स्कूल अभी जा चुका है इस टाइम, तो आजकल सिद्धार्थ के स्कूल जाने के बाद ही मैं चाय बनाती हूँ क्योंकि हस्बैंड वापस आके ही अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं तो उनको भी गर्म गर्म चाय मिल जाती है ब्रेकफास्ट के साथ में। एक तरफ मैंने चढ़ा दी है चाय और दूसरी तरफ मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी है लंच के लिए। और मम्मी आई हुई है तो वो एकदम से खाली पेट चाय नहीं पीती हैं, तो ये सत्तू की एक ड्रिंक होती है जो समर्स में बनाई जाती है, बहुत ही बढ़िया होती है, बहुत आपके पेट को ठंडा रखती है और हाइड्रेट रखती है, लू वगैरह से भी बचाती है। तो इसकी भी कभी रेसिपी शेयर कर दूँगी, बहुत ही ईजी सी है पर मैं बता दूँगी। तो ये मैंने मम्मी के लिए बनाया है और कट कर रही हूँ मैं भिंडी, तो बनाने वाली हूँ मैं भिंडी की सब्ज़ी और दाल और रोटी, ये रहेगा हस्बैंड के टिफिन में। बस आराम से देसी स्टाइल में बैठ करके हम लोग अपना सब्ज़ी वगैरह काट रहे हैं और मैं भी ज़्यादातर यही प्रेफर करती हूँ, मैं अपना सब्ज़ी वगैरह जो भी काटना होता है सारा लेकर बैठ जाती हूँ ज़मीन पे, और सर्दियों में फर्श पे बैठना काफ़ी अच्छा लगता है। और बस मैं सब्ज़ी वगैरह करके फिर सीधा किचन में जाऊँगी सब्ज़ी छौंकने के लिए और जो भी लंच के प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दूँगी। मम्मी हेल्प कर रही है मेरी इसमें, मम्मी लोग बिल्कुल भी हेल्प किए बिना नहीं रह सकती हैं, वो जहाँ देखेंगी कि उनके बच्चे कहीं कुछ काम कर रहे हैं तो फटाफट पहुँच जाती हैं हेल्प करने के लिए, जैसे हम अभी अपने बच्चों की हेल्प करते हैं, तो बस वो भी मेरी हेल्प कर रही हैं।
और यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ दाल, तो अरहर की दाल बना रही हूँ मैं। सिंपल सी जो मैं अरहर की दाल बनाती हूँ, सिंपल छौंके वाली, लहसुन और जीरा वाली, वही दाल बना रही हूँ। तो हस्बैंड के लिए बन रहा है सेम वही चीज़ पराठा जो सिद्धार्थ लेके गया है, फीलिंग भी बची हुई है। और मॉर्निंग में हमारा यही रहता है, जो भी खाना बना होता है, जो भी सब्जी बनी होती है, उसके साथ में पराठे ले लेते हैं। कुछ अलग से कुछ खास ब्रेकफास्ट नहीं बनता, उपमा पोहा इस टाइप की चीज़ें मेरे यहाँ डेली नहीं बनती है। मेरे यहाँ जो भी सब्जी बनती है, जो भी भुजिया बनती है, हम उसके साथ में पराठा खा लेते हैं, साथ में चाय ले लेते हैं, अचार ले लेते हैं, तो इस टाइप का ही ब्रेकफास्ट होता है। तो आज तो चीज़ पराठा बन रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने सब्जी नहीं बनाई है और फिलिंग वगैरह बची हुई थी, तो हस्बैंड के लिए भी मैंने बना दिया है चीज़ पराठा। अदरवाइज़ अगर ये नहीं होता तो भिंडी की भुजिया के साथ में पराठा और चाय ले लेते, तो ऐसा ही कुछ रहता है हमारा ब्रेकफास्ट। मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में भिंडी की सब्ज़ी की रेसिपी। ऑलरेडी मैंने भिंडी की भुजिया जो मैं बिना किसी मसाले या प्याज लहसुन के बिना बनाती हूँ, वो मैं शेयर कर चुकी हूँ कई बार, पर आज मैं जो प्याज वगैरह के साथ बनाती हूँ, वो कैसे बनाती हूँ वो शेयर कर रही हूँ। तो सरसों का तेल लिया मैंने, उसको गर्म किया, उसके बाद उसमें डाल दिया 1 चम्मच मेथी दाना। मुझे इस टाइप की भिंडी में और इस टाइप के आलू जो बनते हैं भुजिया टाइप के, उसमें मेथी दाना का तड़का बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने 1 चम्मच इसमें डाल दिया है कटे हुए लहसुन, हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी ग्रीन चिलीज, तो 1 चम्मच कटी हुई ग्रीन चिलीज ले ली है, लगभग 2 ग्रीन चिलीज होंगी ये। और उसके बाद मैं इसमें 1 बड़ा कटोरी भर करके ऐड कर दूंगी प्याज, जो कि स्लाइस किए हुए हैं, 3 से 4 प्याज होंगे ये मीडियम साइज के। तो इसको डाल करके हल्का सा मैं फ्राई कर लूंगी जब तक इनका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता और ये थोड़े से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो प्याज यहाँ पे सॉफ्ट हो गए हैं, तो इसमें मैं थोड़े बहुत मसाले जो डालने वो ऐड कर दूंगी, जैसे कि हल्दी, तो हल्दी ऐड कर रही हूँ मैं। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी काली मिर्च 1/4 टीस्पून के आसपास। आप यहाँ पे और भी सारे मसाले ऐड कर सकते हैं जो भी आप पसंद करते हैं, धनिया, गरम मसाला, पर मैं बस यही 2 मसाले ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे अपना जो सब्ज़ी है कटा हुआ उसको ऐड कर दूँगी भिंडी। और भिंडी डालते के साथ ही ना ही कभी आप उसमें नमक डालें तुरंत, और ना ही कभी उसको तुरंत से ढक दें। उसको हमेशा आप लगभग 1.5 से 2 मिनट तक उसको थोड़ा तेज़ फ्लेम पे चलाते रहें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, जल्दी से ढक देंगे या जल्दी से नमक ऐड कर देंगे, तो फिर भिंडी में रेशे से आने लगते हैं और फिर वो चिपचिपी हो जाती है। अगर आपको खिली खिली सी अलग अलग सी भिंडी बनानी है, तो हमेशा उसको अच्छे से आप 1.5-2 मिनट तक तेज आंच पे फ्राई करें। उसके बाद मीडियम फ्लेम पर ढक ढक कर 4 से 5 मिनट पकाएं उसको, बीच बीच में चलाते ज़रूर रहें, नहीं तो चिपकने लगती है। और 4-5 मिनट ढक ढक के पकाने के बाद ही आप उसमें सॉल्ट को ऐड करें। तो यहाँ पे 4-5 मिनट भिंडी को हो चुके थे, तो मैंने यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर दिया है। और भिंडी को देखना बहुत पड़ता है, चलाते बहुत रहना पड़ता है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। सॉल्ट ऐड करने के बाद भी मीडियम फ्लेम रखें और फिर भी बीच बीच में देखते रहें और चलाते रहें। और यहाँ पे हस्बैंड का ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया और ऑफिस जाने में अभी 10-15 मिनट का टाइम था, तो अपना गिटार का लेकर बैठ गए हैं, प्रैक्टिस करने लगे हैं। तो यही होता है, जब भी उन्हें 5 मिनट 10 मिनट का टाइम मिलता है, तो जब भी उनको थोड़ी सी फुर्सत लगती है, तो अपना जो उनका पैशन है उसमें बिजी हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए सब्ज़ी जो है एकदम बनके तैयार है, बिल्कुल खिली खिली सी भिंडी बनी है, बिल्कुल भी चिपचिपी या ख़राब सी या फिर जो कहते हैं ना मिक्स हो जाती है, एकदम वैसी भिंडी नहीं हुई है। तो ये है आज का हस्बैंड का लंच बॉक्स, अरहर की दाल है, इसमें रोटी है, भिंडी है और थोड़ा सा सैलेट है। आज मैं राइस नहीं दे रही हूँ, नहीं तो अक्सर राइस भी होता है।
और हस्बैंड भी जा चुके हैं ऑफिस, और अब हम लोग बिल्कुल फ्री हो गए हैं, तो थोड़ी देर आराम से बैठेंगे, क्योंकि सुबह सुबह इतनी ज़्यादा भागम भाग हो जाती है कि रिलैक्स होके बैठने का समय नहीं मिलता। तो ये हमारा सेकंड राउंड ऑफ टी चला है, और इसके साथ में थोड़ा सा ब्रेड ले रहे हैं हम लोग, और कल की बची हुई लेफ्ट ओवर पूड़ी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे क्या, मुझे लगता है मेरे हस्बैंड को छोड़ के बाकी हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आप में से कौन कौन है जिसको बासी पूड़ी चाय के साथ गर्म करके खाने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमने बचपन से खाया है, हमें बहुत पसंद है। मैं तो एक्स्ट्रा बना के रख लेती हूँ ताकि मुझे अगले दिन बासी खाने को मिले। तो ये एक या दो पूड़ी बची हुई थी, तो उसको फ्राई किया है, कुछ ब्रेड को सेका है, और आराम से बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं और अपनी चाय पी रहे हैं। तो आज का मेरा मंडे मॉर्निंग का रूटीन जो था वो यही था, और आज के दिन का मैंने लंच रूटीन भी शूट किया है अपनी मम्मी के साथ में, जो कि बहुत एकदम कहते हैं ना बढ़िया वाली थाली, समर्स के लिए एकदम परफेक्ट बढ़िया वाली थाली हमने शूट की है, तो वो देखना बिल्कुल ना भूलें। वो ट्राई करूँगी कि मैं कल या फिर परसों तक वो वीडियो भी पोस्ट कर दूँ। तो हम यहाँ पर करेंगे ढेर सारी टी टॉक, और आराम से चाय पियेंगे, आधा घंटा आराम से बैठेंगे, और उसके बाद ही आगे का काम स्टार्ट करेंगे। तो बस यही था आज का मेरा मॉर्निंग रूटीन, होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।